जय नारायण स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कि ए बी सी ई एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में टू इंटीरियर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है बी ए सी एंड सेकंड ट्राइंगल है ए डी ई। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में ए जो साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है, ए डी साइड ए बी साइड के इक्वल है और हमें यहाँ पे इसके थर्ड साइड इक्वल प्रूव करनी है, यानी कि ए बी सी की बी सी साइड ए डी ई की डी ई साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले उन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख लें कि क्या चीज हमें गिवन है। तो इन दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल ए डी ई में हमें गिवन है ए इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन। दूसरा क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी इज ऑल्सो गिवन। हमें किसी भी टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कम से कम थ्री पार्ट इक्वल प्रूफ करने होते हैं। यहाँ पे टू पार्ट ऑलरेडी गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया गया है कि बी ए डी एंगल, बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए ई के, इट इज ऑल्सो गिवन। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंगल है हमारा ट्राइंगल है बी ए सी, उसमें हमें केवल एंगल बी ए डी के बारे में पता है और इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता है। फिर इसी तरह डी ए ई ट्राइंगल में एंगल सी ए ई के बारे में पता है और इसके बारे में हमें नहीं पता। और हम ये देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में ये जो एंगल है वो कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल डी ए सी एंगल कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लिख दें। अब हम क्या करें, इस एंगल को दोनों ही एंगल में ऐड कर लें, दोनों ही साइड इसमें ऐड कर लें क्योंकि ये पार्ट दोनों ही में कॉमन है। तो ये बी ए डी प्लस डी ए सी और यहाँ पे हो जाएगा सी ए ई प्लस डी ए सी। अब बी ए डी प्लस डी ए सी मिला के हो जाएगा पूरा बी ए सी, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल और ये पूरा हो जाएगा डी ए ई, डी ए ई, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल का एक एंगल इस पूरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है। तो थ्री पार्ट हमारे पास इक्वल हो गया, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी ई के। अब जब दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि वो दोनों ही इक्वल शेप एंड साइज के हैं, यानी कि अगर दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल थे इट इज गिवन, मगर थर्ड साइड जो कि बी सी और डी ई साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी से हो गया, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर पी मिड पॉइंट है यानी कि ये ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब है ए पी इक्वल टू पी बी, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। हमें एक और चीज दी है इसमें कि डी ए पी ये एंगल ई बी पी इस एंगल के इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस।
एंड थर्ड पार्ट जो हमें इक्वल दिया है वो है ईपीए, यानी ये वाला एंगल डीपीबी के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीईबी के। जब टू ट्राइंगल्स हमें इक्वल प्रूफ करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें थ्री पार्ट इक्वल प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले प्रूफ में लिख लें कि व्हाट इज गिवन हियर, क्या हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इन ट्राइंगल एडीपी में एडीपी एंड ट्राइंगल ईपीबी, इन दोनों ही ट्राइंगल में एपी लाइन, एपी इक्वल टू क्या है पीबी। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि पी इज मिड पॉइंट, पी इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये एबी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये पार्ट इक्वल है। अब सेकेंड चीज हमें क्या इक्वल दी गई है, यहां पे दिया गया है ए ए डी पी ट्राइंगल में डी ए पी, ये वाला एंगल यानी कि डी ए पी, ये एंगल ई पी पी इक्वल टू ई बी पी के इक्वल है। इट इज गिवन, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है गिवन। थर्ड एंगल जो दिया है इक्वल वो है डी पी बी, यहां पे एंगल डी पी बी इक्वल है ई पी ए के, ई पी ए के, ये भी हमें गिवन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि टू पार्ट इक्वल हैं और हमें थर्ड पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, जिससे कि हम कह सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम यहां पे देखें तो ये वाला एंगल पूरा इस ट्राइंगल एडीपी का पार्ट है और हमें ये इक्वल इस एंगल के दिया है और यहां से यहां तक जो एंगल है वो भी ईपीबी का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है एंगल का वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहां पे लिख सकते हैं ईपीडी इज कॉमन, ईपीडी जो एंगल है वो कॉमन एंगल है, कॉमन पार्ट ऑफ दिस एंगल है। तो कॉमन पार्ट है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ईपीडी अगर किसी इक्वल एंगल में कॉमन एंगल प्लस कर दिया जाए तो वो जो सम होगा एंगल्स का वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम डी पी बी में ई पी बी प्लस कर सकते हैं, ई पी डी इक्वल टू एंगल ई पी ए प्लस ई पी डी, दोनों में हमने उसे लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड कर दिया। अब हम देखें तो डी पी बी प्लस ई पी डी ये दोनों ही मिलके क्या बन गए, ई पी बी, इसको कहेंगे ई पी बी, और ये किसके इक्वल हो गया ई पी ए प्लस ई पी डी, ये पूरा यहां से यहां तक मिला के हो गया ए पी डी और ये हो गया एंगल ए पी डी के इक्वल। तो यहां थ्री पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि हमें थ्री पार्ट इक्वल मिल गए। अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई पी बी के। अब ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, तो यहां पे एंगल साइड एंगल, तो यहां पे लिख देंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब हमें सेकंड पार्ट जो इक्वल प्रूफ करना है वो है एडी इक्वल टू ई बी। अब हम यहां पे देख रहे हैं जो एडीपी ट्राइंगल है उसका एडी साइड है और यहां पे ईपीबी जो ट्राइंगल है उसका ईपीईबी जो है वो साइड है। तो ये दीज आर पार्ट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी कि उनका साइज और शेप इक्वल है
तो उसके फर्स्ट ट्राइंगल के सारे साइड और एंगल्स सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ट्राइंगल्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एडी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी इक्वल हो जाएगा ईपी ईबी के, और ये कैसे हुआ, बाय सीपी सीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये था सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।